Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आ जाइए टहना, इसमें आ रहे आप तीन चार टहने और तो क्या भी बनना है ये टहना सिंगल रखो आप अभी हम रखो ये टहना टहना कल भी साइड को नहीं जाना चाहिए देखो अरे परे को इधर को जाए बाहर को तो अलग बात है नया टहना बनाते आप वो नहीं जाना चाहिए आगे को अरे इसमें सेब भी लगेगा ना इतना दूर है ये सेब से तो इसमें कोई कोई बनना साउंड लेता इधर नजदीक लाओ उनको वैसे ये इसमें अब कोई टहना नहीं बनना ये भी गलत है परे वाला ये भी गलत है तो इसको पहली बात तो टहना सीधा रखना है अच्छी बात है उसमें टहने सारे सीधे रखते हैं जो सीधा जा रहा है ये मैंने डाल दिया कमजोर में उसके बाद इसमें कट नहीं मारना ये मतलब कि यहाँ रुक गया हमेशा के लिए ये ग्रोथ में नहीं जाएगा अब ये आपने सोचना है कि यहाँ सारे ग्रोथ ले जानी इसकी नहीं ले जानी मेरे हिसाब से तो नहीं जाएगी क्योंकि दूसरे पेड़ में फंस रहा है तो उसको यहीं रोक दो फिर रुक गया है मैं इसको छोड़ूंगा नहीं चोटी के पास की जो दो तीन टहने तो काट देने अब ये जो कट मारे ना आपने गलत मारे ये तो मैं कमजोर में डाल दूंगा पर इनका मेरे पास कोई इलाज नहीं है खुले छोड़ने पड़ेंगे अगर ये पिछले साल खुले छोड़े होते तो इस साल में यहाँ से रिंग से कट जाता था तो फिर रुक गया था कुछ नहीं करूंगा इनका अब अगले साल होगा इनका जो भी होगा हाँ अगर सेब लगा है उसमें तो आप काट सकते हो के पास से अगर सेब लग गया तो पहले साल वाली बुट में जैसे मान लिया सेब लग गया नहीं एक और बीमा निकलेगा तो फिर उसको काट दो फिर काट सकते हो आप अगर सेब लग गया तो अब टहने दोनों गलत है ये वाले अरे वाले अब इसमें क्या करना है मैंने इसको काटना था नहीं ये पूरा मैं इसको कहीं कम करता हूँ मैं आगे से यहाँ कमजोर में डाल दिया मोटी वाली मैंने काट दी बीमा में शक कमजोर टहन नहीं बनता मोटे में नहीं बनता मजबूत टहन होती है के लिए ये देखो ना आप क्या करे यहाँ से ले गया आप यहाँ से ले गए यहाँ से ले जाके आगे आगे ले जा रहे तो धूप कहाँ से आनी ये सब क्लोज करो अंदर ये रिंग है अब यहाँ जहाँ मैंने काटा यहाँ से आगे कभी ग्रोथ नहीं होगी तीसरे में आपको फसल देगा अब एक बात और भी जैसा ये पहले मान लिया इसमें सेब लग भी गया शायद ताकत तो वाटर शूट खा रहे इसके लिए अपने लिए ताकत कहाँ रहे साइज बनने के लिए अगले साल ग्रोथ में बने इतना पेड़ मोटा इसमें तीन चार पेटी होनी चाहिए थी अभी तक ये चोटी के साथ है ये चोटी के साथ है ये मजबूरी है कि मेरे को ऐसा काटना पड़ा है ये तो यही क्लोज हो जाता था ये अब लेकिन सिंगल रहा खुली धूप खुली हवा मिली इसको और बीमा यहाँ होना चाहिए था इसमें इसमें जो किया नहीं है आप तो टहने पटेना टहने पटेना बना रहे हैं और अगर टहना लेना आप तो मेन उद्देश्य लो टहने से टहना नहीं निकालना सर यहाँ से काट मारेंगे तो ये गया ये ग्रोथ में गया ये सीधे की ग्रोथ में गया उस रोकने के लिए होता है कमजोर पे डाल दिए कमजोर पे पड़ गए अभी रुक गया अभी पिछली जो आंखें बंद है भी खुल जाएगी उसे भी वो बन जाएगा और टॉप में सर जैसे यहाँ पे टॉप में ऊपर चला जाता है ना लास्ट में वो पकड़ने के लिए होता ही नहीं है वो ऊपर ही चला जाता है चाहे खुला भी रखेंगे ना टिब्बी में बनाने के लिए जैसे मैंने एक कमजोर में डाल दिया ना हाँ जी हाँ जी एक कमजोर में ऊपर चोटी में क्या नहीं होती कमजोर पर होनी चाहिए उसी साइड पे उसी साइड के लिए उसी जैसे इसी साइड पे हाँ जी हाँ जी तो ये रुक जाती खुद ग्रोथ फिर जो पीछे की आंखें बंद होती है वो खुल जाती है देखो इसमें कितने पहने बना रहे आप देखो इसकी हाल जितना भी मगर इसमें सेब लगा रहा है इसमें दो पट्टी लगनी तो दो पट्टी की बात है टूटी जाना सीधा कुछ नहीं बचना इसमें होने से ही सेवन लेयर तो इसको क्लोज करो अंदर अंदर जाके अंदर ले चलो इसको इसमें तो कुछ भी नहीं है इसमें भी बीमा कहीं नहीं है ये कमजोर पे डाल दिया तो और पीछे जा रहे हैं बीमा है इसमें ऐसे करके बंद करो इसको और आप बीमे की शक्ल भी देखो अपनी की ढीले डाले पता नहीं कितने दूर जा रहे पहले से ऐसे से ना इकट्ठा करो इसको आप तब जाके बात बनेगी उसका क्या करूँगा और यहाँ लीडर के बाद सिंगल और सीधा जाना चाहिए टेढ़ा नहीं जाना इसको भी ऐसे खा ले ये देखो बाय चांस रिंग कटी है ये बोल रहा हूँ मैं थोड़ी ज्यादा आगे से कट गई थी यहाँ से कट ली थी चलो कोई बात नहीं ये देखो क्या सर्विंग आया इसमें वो रुक गई ना इसकी हाँ जी
फिर यहां से कटनी जीती ऐसे चलो कटगी कटगी जहां से कटगी फिर फायदा तो हुआ ही यहां से कटनी जीती है अब ये कभी भी ग्रोथ में नहीं जाएगा यार टाइम इतना सा ये निश आपको सेव देगा भविष्य में क्या होगा इसमें ये आंखें खुल जाएगी इस साल ये सेव देगा अगले साल ये आंखें खुल जाएगी फिर जब यहाँ आंखों में सेव लग जाएगा ना तो आप उसको यहाँ से कहीं से काट देंगे फिर इतना सही रहेगा वो सिर्फ सेव देगा आपका जहां ग्रोथ होगी वहां सेव ना बीमा मजबूत बनेगा ना सेव लगेगा हाँ जी कोई प्रश्न पूछ लो किसी को कुछ अब देखो ये जा रहा है मैं नहीं कहा बना लिया ऊपर आपने ये वाला इसके साथ अच्छा इस कट से लगा पेपर ही बाकी इसमें कोई करो आरी उरी ज्यादा नहीं माननी एक दो दो साल में आप ही मुझे काट सकते हो तब नहीं आता क्या बोलते हैं ग्रोथ में सबसे पहले रखनी दो साल की फसल में इसमें इतना आगे इसलिए आ रहा हूँ कि इसमें एक बीमा यहाँ यहाँ से भी कर सकता हूँ यहाँ मिलेंगे मैं पहले अगले साल की फसल देखनी है जो आने वाला साल है इसमें सेब लगा तो काट सकते हो उसको यहां से तो ऐसे करो इसको क्लोज आप ये बहुत हो जा रहा है थोड़ी लगता है ना इसको निकाल दो तब नहीं तो सूख जाएगा तय ना इसको मैंने कमजोर में डाल दिया एक साल की डाला मैंने कमजोर में अगले साल और पीछे आएंगे आप इसमें ऐसे जाना चाहिए पीछे तक रहना आपका मकसद है सिर्फ दूर बंदर पहुंचाना और कोई मकसद नहीं है काटी मैंने अगले सारे सुनी में आएगा यहाँ अब देखो खुला डुला हो गया सारे टाइम ऐसे होने किया मैं पेड़ में टहने से टहने बनाने बंद कर दो अगर टहने जा चाहिए आप तो लीड लो टहने टहने से टहना मत बनाओ ये वाला टहना सही है देखो ये वाला क्योंकि इसी साइड को आ रहा है ये वाला गलत है क्योंकि धूप रोक रहा है साइड से अंदर के पेड़ की पर ये भी ध्यान रखना ये इसको इसके बाबर होने वाला है तो इसका इलाज क्या है कि अगर आप ये वाला चीज होंगे तो सीधा जाएगा कहना सीधा चाहिए इसमें हेडबैक नहीं देनी थी क्योंकि देर पूरा था पर मेरे को देनी पड़ी है सिर्फ स्टैंड ऑफ कंट्रोल करने के लिए इसको मैंने सेपरेट में डाल दिया कमजोर में डाल दिया मतलब कि ताकि ये वाला कहना इससे बड़ा ना जाए ये वाला रुक गया परमानेंट परमानेंट रुका थोड़ी ग्रोथ होगी पर ये ज्यादा उगेगा इसको जाएगी ताकत ज्यादा इसको जाएगी अभी आपने पहले खराब किया टक मार के इसमें जो वट शुरू टक मारे इसका कोई जैसे यहाँ है ये बहुत दूर है कमजोर भी तो मैं इसको काट सकता हूँ नजदीक से नहीं काट सकते आप जैसे मान लिया कि आपके टक से कोई बीमा बना जैसे मान लिया ये बना यहाँ से नहीं काट सकता मैं इसको इससे देखिए देखिए कुछ हो जाएगा जैसे यहाँ से नहीं काट सकता मैं अभी जैसे आप बोल रहे ना ये इस वाले पौधे की नहीं धूप भी लगनी चाहिए आरी भी नहीं चलनी चाहिए आरी चलाओ आप बहुत कम चलाओ पर आरी जहाँ चलाओगे ना वहाँ एक बात ध्यान रखना की जो दूसरा टहना वाला उससे जहाँ से निकाल रहे आप उससे मोटा होना चाहिए आरी चलाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आरी चलाओ लगना चाहिए अपनी पेड़ पूरा हो गया इसका कैसे बताया आपने जैसे मैक्सिमम हमारे बूढ़े पौधे में ऐसे है इसमें टोटल रिंग नहीं आगे से पीछे तक कहीं से काटोगे तो पीछे से काटोगे तो बीमा द्वारा आ जाएगा अच्छा तो ये रिंग है ये रिंग है यहाँ अगर ये भी रिंग है ये तो है ये ना रिंग यहाँ से अगर साइड रिंग है अगर यहाँ से काटोगे इसमें भी आ जाएंगे जैसे मैं अभी वहाँ दिखा रहा था वैसे आ जाएंगे नहीं अगले साल अगले साल एक साल है ये पिछले साल का कटा कहाँ था रिंग पिछले साल का कटा था ना ये वाला इस साल का कटा है इस साल इसमें आ गया ये गलती से कर गया किससे जैसे मैंने ये काटा नहीं यहाँ अगले साल यहाँ ऐसे तीन दिन या दो तीन दिन आ जाएंगे यहाँ टिप पे फिर उसके बाद पीछे की खुलेंगे अगर यहाँ ग्रोथ आएगी
तो ये रीमा से उद्योग खत्म हो जाएगा, पर आने नहीं, रिंग से आती नहीं ग्रोथ। तेरे को नहीं पहना, खाली हो गया। मैंने आ रही तो कहीं नहीं मारी, अब मैं टहना पकड़ लेता हूँ, कोई और पकड़ लेता हूँ। ये पकड़ लिया, मार लिया मैंने। ये जो आप करे ना, ये तिरछा कट, ये मत करो, इसको सीधा करने की कोशिश करो। ये मैंने सीधा किया, ये कमजोर में डाला। बीमा हमेशा कमजोर में बनता है, मजबूत जाता है आपका ग्रोथ में। इसीलिए काट रहा हूँ कि मेरे पास ब्लू बहुत अच्छा है, अगले साल की फसल काट रहा हूँ, नहीं तो मैंने इसे काटना था। इसकी भी चिंता कर सकते, जहाँ लगता कि आपको बीमारी जैसे यहाँ सारी बीमारी है, अब लोग हो गए ना खाली, इसलिए ऐसी दिक्कत तो नहीं होगी बाद में। जैसे हम चाहते तो हम ऐसे एक ही सीधा जाए, नहीं सीधा से लगता नहीं, सीधी से लगता नहीं, ये वाली बिल्ली में आते मैडम जाओ, ये टाइम ही बननी नहीं है, ये क्लोज कर दिया मैंने, अब इसमें कभी ग्रोथ नहीं, इसलिए सिर्फ देगा आपको। एक्चुअली हमारा पता क्या ट्रेंड है, इधर कटेंगे ना जी, सॉरी इशू, इसमें हेडबैक लगेगा, इसमें भी, इसमें भी, ठीक है, इसमें आप हेडबैक मारो। अगर आपने पेड़ और बड़ा ले आना है, मान लिया मैंने इसको और आगे ले आना है, तो मैं क्या करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ठीक है ना, हो गया। इसमें क्यों हेडबैक दे रहे हो, इसमें टोटली कटेंगे तो हेडबैक क्यों क्यों दे रहे हो, यहाँ तो ग्रोथ नहीं चाहिए, तो आपको सेफ चाहिए, सेफ चाहिए। अगर आपने पेड़ बड़ा लिया, इसमें हेडबैक दोगे, इसमें हेडबैक दोगे, उसमें हेडबैक दोगे, तो नहीं चुटी है, वहीं से आगे ले जाओगे ना पेड़, साइड यूज तो नहीं ले आओगे आप बड़ा, तो उसमें हेडबैक दो, बाकी मत दो, बाकी क्लोज कर लो। ये बाय चांस रिंग कटी है, देखो यहाँ रिंग थी, ये रिमा, अगर कभी ऐसा शूट आ जाए ना बाय चांस, एक साल क्लियर है, बाकी इसको काट दो, वैसे यही है ये, ठीक है, मैंने जो थी हेडबैक दे दी, मैं ग्रोथ दे रहा हूँ उसमें, तो सारे क्लोज कर सकते ना। ये बाकी में मैं कहीं हेडबैक नहीं दूंगा, भले ही भूल जाओ पेड़ के अंदर कहीं हेडबैक देनी आपने, अगर कह नहीं मैंने तभी दो रही, तो मत दो। ये मेरे को इतनी दूर इसलिए जाना पड़ता क्योंकि मेरे को इस साल की फसल दिखनी है, तो बहुत नजदीक आता है इसमें, इसको रिमूव भी करोगे तो बहुत फायदा होगा आपको, क्योंकि एक टाइम से कोई फर्क नहीं पता, इतनी बेटे में धूप बहुत रुक रहा है, इसमें भी मैं यहाँ है, यहाँ से ग्रोथ में जाएगा, द्वार से ऐसे नहीं काट सकते हम, अभी खाली हो गया, बीमा मैंने बहुत कम चला। ये मत करो, इससे क्या होता है, जैसे मान लो सेब लग जाएगा, ये पूरी तरह से घुमा लेगा, ऐसे कोई ऐसे कोई, और ये भी मत करो छोटी तरह की, बाकी कर सकते आप बीमे में कर सकते, अगर शॉर्ट करो जैसे ये किया शॉर्ट तो चलेगा, मतलब ये अब ग्रोथ खत्म हमेशा इसकी, आपको सोचो ना इसमें कम से कम 1000-2000 वाटर शूट है, जिसमें आप मैट बैग देनी है, वो तो काट के आप फेंक रहे हैं, किस काम के बना रहे हैं आप, मत बनाओ पूरा खुराक, फिर वो बनाओ कि बीमा अच्छा बने, सेब का साइज बने, उसमें ले जाओ खुराक को। विषय पर और ज्यादा जानकारी के लिए आप एंड्रॉइड प्ले स्टोर से टॉक एप्पल ऐप डाउनलोड करके टॉक एप्पल कम्युनिटी मेंबर्स से चर्चा कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो कृपया हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।